दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं इस एमएस ऑफिस की वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीख रहे हैं एमएस वर्ड, सॉरी आउटलुक। एमएस वर्ड तो हो चुका है, आउटलुक। तो आउटलुक में ये पहले बता दूं, हमारी डीवीडी की रिकॉर्डिंग है, आप हमारी डीवीडी परचेज कर सकते हैं मेरी वेबसाइट iptindia.com से। अब हम डिस्कस करते हैं आउटलुक कॉन्फ़िगरेशन, आउटलुक की इसमें कि आउटलुक मोस्टली हम कवर कर चुके हैं। हम बात करते हैं एक्स्ट्रा एक्टिविटी के बारे में कि आउटलुक सिर्फ मेलिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, हम कुछ और चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि कैलेंडर। जी हाँ, हम आउटलुक का इस्तेमाल जो है हम कैलेंडर में भी कर सकते हैं। जैसे कि कैलेंडर में आपके पास टास्क होते हैं, आज ये कैलेंडर है, आप यहां से अपने कैलेंडर्स को देख सकते हो कि इसका कैलेंडर क्या होगा। यहां का आपको वेदर रिपोर्ट भी मिलता है, ये वेदर रिपोर्ट अपडेट होता है आपके इंटरनेट से, तो कैलेंडर में वेदर रिपोर्ट आप ले सकते हैं। अब मान लीजिए कि किसी दिन कुछ ए देना है, मान लीजिए कि मुझे फ्राइडे के दिन हाफ डे लेना है, इस तरह से यहां पे आप अपने दे सकते हैं। और कुछ लेना चाहो तो और कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन और भी लिखोगे तो आप यहां पे ले सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि आप अपने शेड्यूल और अपने चीजें यहां कैलेंडर पे मेंशन कर सकते हैं, जिससे आपका जो भी मतलब कि एक असिस्टेंट होगा, एक डायरी की तरह इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं अपने आउटलुक के साथ। जब सैटरडे आएगा तो आप देख सकते हैं कि क्या क्या है, जैसे मेरी क्लासेस कहाँ कहाँ स्टार्ट होती है, तो मैं कैलेंडर में मेंशन कर सकता हूँ कि मेरी क्लासेस कब कब नई बैच स्टार्ट है, आप इस आउटलुक के कैलेंडर में इसको हम सेट कर सकते हैं। अब जैसे कैलेंडर हमने लिया है तो ऊपर कुछ इसकी ए है, हमारी अरेंजमेंट और बाकी चीजें हैं उसको देखिए। सबसे पहले बात करते हैं, अब बात करते हैं न्यू अपॉइंटमेंट, तो क्लिक करेंगे न्यू अपॉइंटमेंट में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे न्यू अपॉइंटमेंट कहाँ है। उस दिन क्या होगा कि ऑटोमेटिकली ये बेल बजेगा और ये हो जाएगा कि मैं बोलता हूँ कि न्यू यहाँ पे न्यू बैच स्टार्टिंग ऑन लोकेशंस ऑनलाइन और मंडे को मॉर्निंग 8 बजे नहीं करना है, हमें मॉर्निंग मान लीजिए मुझे 11 बजे करना है और आधे घंटे में मुझे 1 घंटे करना है। और ये सेव एंड क्लोज पे क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पे आ गया। इस तरह से कर सकते हैं न्यू मीटिंग्स, मीटिंग्स के लिए आप किसी को अपॉइंटमेंट दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे मीटिंग के लिए किसको भेजना है, हमने बोला कुमार @iptindia.com, सब्जेक्ट टीम मीटिंग, सब्जेक्ट देता हूँ लोकेशंस ऑनलाइन और कब से मीटिंग स्टार्ट होगा, तो मैंने बोला मीटिंग स्टार्ट होगा 12 बजे से, 12 घंटा डाल दिया, आधा घंटा चलेगा। अब मैं यहाँ पे सेंड पे क्लिक करूँगा तो दो चीज़ें होगी, एक तो मेल चली जाएगी, दूसरा यहाँ पे आ जाएगा, तो पर्सन को मेल चला गया। यहाँ पे अगर देखोगे तो एक मेल रिसीव होगा आपको iptindia.com से, ठीक है। अब इसमें जैसे मेल है ना, यहाँ भी खोलने के बाद देखिए यहाँ पे आता है एज मीटिंग ऑर्गेनाइजर, या इस तरह से आता है नो रिस्पॉन्स रिक्वायर, यहाँ आ रहा है, लेकिन रिस्पॉन्स करोगे तो मेरा नो रिस्पॉन्स रिक्वायर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं ऑर्गेनाइजर हूँ, इसलिए। अब रिस्पॉन्स में आप यहाँ कर सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं मीटिंग में, क्या रिप्लाई है, ये चीज़ आप यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, तो रिस्पॉन्स में मीटिंग एक्सेप्ट करेगा नहीं एक्सेप्ट करेगा उसका आपको वापस मेल आया कि हाँ इसने मीटिंग एक्सेप्ट किया या एक्सेप्ट नहीं। मीटिंग के अलावा आप यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं कि ईमेल एड्रेस अपॉइंटमेंट, तो सब में होता है वही है,
या आपने अब इस पे क्या है कि देखिए अब स्काइप से कनेक्टेड है हमारा, अब यहाँ पे क्लिक का होता है ठीक है। देखिए स्काइप फिलहाल नहीं है इसलिए, अब ये गोटू होता है कि टुडे पे आपको आना है, नेक्स्ट सेवन डेज पे आपको जाना है, इस तरह से ये आपको यहाँ से नेविगेट करेगा। डे बाइक चाहिए या वीक बाइक चाहिए, वर्क वीक मतलब मंडे टू फ्राइडे, या फिर चाहिए वीक मंडे टू संडे, या चाहिए मंथ मंथ वाइज आएगा, या शेड्यूल व्यू की जो शेड्यूल है उसके हिसाब से व्यू हो, जो आपने शेड्यूल दे रखा है उसके हिसाब से व्यू हो, व्यू है आप अपने हिसाब से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ओपन कैलेंडर की फ्रॉम द एड्रेस फ्रॉम द रूम लिस्ट, ये चीजें बहुत कम इस्तेमाल होता है। ईमेल कैलेंडर, कैलेंडर को ईमेल करना चाहते हो या ऑनलाइन पब्लिश करना चाहते हो, इसमें वेब डेब सर्वर जो भी होती है उसमें कि आप इसको पब्लिश करना चाहते हो, जिससे पॉइंट वगैरह पे पब्लिश करना है तो उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो कैलेंडर का इस्तेमाल किसी चीज के लिए होता है। उसके बाद कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट के बारे में हम डिस्कस किया ही था कि कॉन्टैक्ट में आप अपना न्यू कॉन्टैक्ट सेव कर सकते हैं और किसी भी कॉन्टैक्ट को मॉडिफाई या देख सकते हैं या फिर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और मैं लास्ट वीडियो में बताया भी था कि कैसे हम इम्पोर्ट करते हैं किसी गूगल से। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है, वो आता है टास्क। टास्क क्या होता है? टास्क इज अ रिमाइंडर। टास्क क्या है? रिमाइंडर है। आप एक रिमाइंडर डालना चाहते हो कि आपके इतने बज के इतने मिनट में मुझे पास एक बेल बजे या पॉपअप सामने आ जाए कि मुझे पुराना काम करना है, तो वो टास्क यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया सब्जेक्ट, मैंने बोला कि लीव, और मैंने बोला कहाँ पे लीव स्टार्ट कब से होगा, मैंने बोला मेरा स्टार्ट होगा 20 तारीख को, मैंने बोला 1 बजे से हमारा स्टार्ट होगा। ठीक है, और मुझे इसका रिमाइंडर कब मिलना चाहिए, मैंने बोला रिमाइंडर मुझे 1 बजे मिलना चाहिए, और इसका घंटी कैसा होना चाहिए रिमाइंडर का, तो आप यहाँ से उसकी घंटी अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल जो होता है वही रखते हैं, मतलब कि क्या बजे साउंड अगर आपके पास है तो एक चीज डालिए, बाद में यहाँ जिसकी जो डिटेलिंग वगैरह डालना है वो डिटेलिंग डालिए, और मार्क कंप्लीट करना है या किसी को साइन करना है, टिकटिंग करना है, फॉरवर्ड करना है, ये चीज यहाँ पे दे सकते हैं, प्राइवेट रखना है, हाई इंपोर्टेंस रखना है, फॉलोअप क्या रखना है, तो ये यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं। अनसेबल क्लोज कीजिए तो आपका जैसे 1 बजेगा तो ये पॉपअप आ जाएगा कि एक बेल बजने लगेगा सामने स्क्रीन पे, उसे आप ये लगा सकते हो कि हाँ यकीन क्या होना है। तो टास्क इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद टास्क के बाद आप नोट्स, जैसे कि कुछ नोट्स वगैरह भी अगर लिखना चाहो तो यहाँ पे नोट्स भी लिख सकते हैं अपना, कुछ लिखना है तो नोट पर मैं पूरी की पूरी यहाँ पे अपना नोट्स दे सकते हो कि टुडे I was start a new batch for Outlook. उसके बाद आप इसको यहां से क्लोज कर दीजिए तो यहां पे आ गए। तो नोट्स भी आप इस तरह से डाल सकते हैं, तो कैलेंडर डाल सकते हैं, नोट्स डाल सकते हैं, मेलिंग वगैरह कर सकते हैं। तो आउटलुक को कंप्लीटली आप अपने ऑफिस के एक पीओ के तौर पे, एक आपके पर्सनल असिस्टेंट की तरह काम करेगा और आपको हर एक चीज के बारे में बताएगा। तो इस वीडियो के साथ हमने आउटलुक का जो पार्ट था वो पार्ट खत्म कर दिया। इसमें हमने हर एक चीज के बारे में, आउटलुक के बारे में आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। ये वीडियो स्टार्टिंग का वीडियो है, लेकिन जैसे जैसे मुझे और भी नई चीज और नए आइडियाज आते जाएंगे, इस तरह से और भी वीडियो बनाकर हम ऐड करते जाएंगे और अपने आउटलुक की डीवीडी को अपडेट करते चले जाएंगे। तो आप लोग इस आउटलुक की कंप्लीट जो हमारी रिकॉर्डिंग्स है उसको परचेज करना चाहते हो तो कर सकते हो, एकदम सिक्वेंसली वाइज है हमारा, इसको कर सकते हो। इसमें VBA का पार्ट भी इंक्लूड होने वाला है, तो आप हमारी ये DVD परचेज कीजिए और आउटलुक को लर्न कीजिए। परचेज करने के लिए वेबसाइट iptindia.com पे जाइए, वहां पर आपको मिल जाएगी। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।